This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो जैसा आपको पता है कि हम मेंसुरेशन या फिर क्षेत्रमिति यूनिट का अध्ययन कर रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने कौन से कॉन्सेप्ट कवर किया था? हमारा कॉन्सेप्ट का नाम था सर्वांशम आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसे हम इंग्लिश में एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि अगर दो कोई कोई भी दो आकृतियां अगर सर्वांगसम हैं, अगर कोई भी दो आकृतियां सर्वांगसम या फिर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देखिए उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वह भी बराबर होते हैं, क्षेत्रफल भी उनके बराबर होते हैं। लेकिन अगर मैं उल्टा बात करूं कि अगर किसी दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है तो क्या वे आकृतियां सर्वांगसम होंगी? तो यह सही नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल बराबर होंगे, यह बात बिल्कुल सही है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने कुछ क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व किए थे। तो चलिए आज हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा रिकॉल टेस्ट है। सभी बच्चों को ये अटेम्प्ट करना है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। आपको दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। आपको दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिए गए हैं। आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज ABC का, जो कि है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको त्रिभुज PQR की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं, आपको दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, और उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिया गया है कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ट्राइंगल PQR की हाइट फाइंड आउट करनी है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहले क्लास में कर चुके हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में। तो यह क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, सभी बच्चों का बिल्कुल सही हो, सभी बच्चों का यह क्वेश्चन सही हो, अटेम्प्ट सभी बच्चों को करना, एटलीस्ट अटेम्प्ट सभी बच्चों को करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब भी आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको कैलकुलेशन का हमेशा ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आते हुए भी प्लस माइनस कैलकुलेशन के कारण गलत हो जाता है, तो वह गलती नहीं होनी चाहिए, आप कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट है आपके पास, पूरा 1 मिनट है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, पूरा 1 मिनट है आपके पास। फोर्टी सेकेंड, 40 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से अपना आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों को आंसर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। 10 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से आंसर कीजिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। तो चलिए अभी से सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको दिया गया है दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, और दोनों ही ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वह ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है या फिर सर्वांगसम है, ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो ट्राइंगल या फिर कोई भी दो शेप अगर कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांगसम है तो उनके एरिया बराबर होंगे।
तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल जो दिए गए हैं वो सर्वांगसम है, ये हमें दिया गया है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमें दिया गया है कि दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम है। तो देखिए दोनों के एरिया बराबर होंगे, इसलिए मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा पी क्यू आर ट्राइंगल के एरिया के बराबर, बराबर होगा पी क्यू आर एरिया के, पी क्यू आर ट्राइंगल के एरिया के बराबर। तो देखिए हमें एबीसी का एरिया हमें दिया गया है कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहां मैं लिखूं 40, और यह क्योंकि बराबर है पी क्यू आर ट्राइंगल के एरिया के बराबर, तो देखिए हमें पता लग गया त्रिभुज पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल वह कितना होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमें यह तो पता लग गया कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है आखिर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार या फिर बेस गुणा ऊंचाई या फिर हाइट। तो देखिए मान लीजिए अभी इस त्रिभुज की हाइट है h, और यही हमें ज्ञात करनी है, त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई ही तो पूछी है हमसे, तो अभी मैं अभी के लिए मैं इसे h मान रहा हूं। तो देखिए इस ट्राइंगल का बेस कितना होगा, बेस तो हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर, तो 1/2 गुणा आधार यह हो गया मेरा 10 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो गई h जो कि हमें ज्ञात करनी है। और देखिए इसका क्षेत्रफल मुझे कितना मालूम है, इसका क्षेत्रफल मुझे मालूम है यहाँ नीचे से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मैंने बराबर कर दिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 2 यहाँ ये भाग में है, इधर इसे ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1 × 10 × h बराबर 40 × 2। तो देखिए 40 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ 80, और यहाँ 10 × 1 हो जाएगा आपका 10 × h। तो देखिए अभी 10 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ ले जाऊंगा तो मैं डिवीजन में हो जाएगा, तो मेरा क्या आएगा h बराबर हो जाएगा देखिए 80/10, और 80/10 यह कितना हो जाएगा मेरा 8। तो मेरा h बराबर कितना आ गया, h बराबर मेरा आ गया है 8 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया कि ऑप्शन ए कैसे हुआ, क्लियर है सभी बच्चों को, काफी बच्चों ने शायद इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, काफी बच्चों ने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। गुड इवनिंग सर। सभी बच्चे कमेंट करके, गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा आपको आपका अभी जब तक कोई डाउट नहीं हो आपको अनम्यूट नहीं करना है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चों को समझ में आया ना, जिन्होंने भी कमेंट नहीं किया है, जिन्होंने भी कमेंट नहीं किया है सभी बच्चों को समझ में आया, सभी बच्चों को कमेंट करना। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया है तो एन लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वाई लिख दीजिए। अच्छा कुछ बच्चे राशिश की आईडी से, जो बच्चा है आपने कब ज्वाइन किया था, आपने अभी ज्वाइन किया है या फिर आपने क्लास के स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लिया था? अभी ज्वाइन किया सर, 2 मिनट पहले ही। यस, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है, तो आपको क्लास के बाद बता दिया जाएगा, आपको ओके क्लास सर। के बाद बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चों को यह समझ में आया, और जिनको भी नहीं आया, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, उन्हें क्लास के बाद में बता दिया जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन हो गया है ऑप्शन ए। तो चलिए हम आज के अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ठोस आकृतियां, या फिर जिन्हें हम कहते हैं त्रिविमीय आकृतियां, और इंग्लिश में जिन्हें हम कहते हैं सॉलिड फिगर्स या फिर 3D शेप्स। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा शायद आपने 2D शेप जब पढ़ा होगा तो 2D शेप में आपने पढ़ भी लिया होगा। देखिए 2D शेप हमारी क्या होती थी, हमारी मेनली 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई या फिर जिस ऊंचाई और मोटाई, या फिर ऊंचाई और मोटाई जिसे इंग्लिश में हम लेंथ भी कहते हैं, चौड़ाई को ब्रेड्थ कहते हैं, ऊंचाई को हाइट या फिर मोटाई भी कह देते हैं, और मोटाई को थिकनेस कहते हैं। तो देखिए 2D शेप हमारी वह शेप होती हैं जिनमें इन तीनों में से कोई भी दो चीज हो, तीन में से कोई भी दो चीज हो, या तो लंबाई और चौड़ाई हो सकती है, मोटाई नहीं हो, या फिर देखिए लंबाई हो सकती है और ऊंचाई या मोटाई हो सकती है, चौड़ाई नहीं हो,
या फिर लंबाई नहीं हो, चौड़ाई और मोटाई हो, तो कोई भी अगर दो चीज है तो वह होगी हमारी 2D शेप। लेकिन 3D शेप में, 3D शेप में तीनों ही चीजें हो सकती हैं, तीनों ही चीजें हो सकती हैं, लंबाई भी हो सकती है और देखिए चौड़ाई भी हो सकती है और ऊंचाई या फिर मोटाई भी हो सकती है। तो जिस भी आकृति में ये तीनों ही चीजें हैं उन्हें हम 3D शेप कहते हैं। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो आपने देखिए 2D शेप में यह भी पढ़ा होगा कि 2D शेप को हम इजीली किसी भी प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल है, कोई एक रेक्टेंगल है जो कि इस तरह से हमें दिया गया है, तो क्योंकि इसे मैं आसानी से टू प्लेन पे किसी पे ड्रॉ कर पा रहा हूं, तो इसलिए यह मेरी क्या हो गई, यह मेरी एक 2D शेप हो गई। इसी तरीके से आपका ट्राइंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया या सर्कल हो गया, वे सभी 2D शेप होती हैं। लेकिन अगर मैं 3D शेप की बात करूं तो 3D शेप को मैं किसी भी प्लेन या फिर कागज पर ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। आप काफी बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो करते हैं 3D शेप को ड्रॉ, बिल्कुल आप करते जरूर हैं, लेकिन हमें उसमें उनकी एक्चुअल जो ऊंचाई होती है या फिर मोटाई होती है उसे जस्ट हम दर्शाते हैं, लेकिन हमें आभास नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो आपने देखिए इस तरह की 3D शेप को जरूर देखा होगा, नॉर्मल 3D शेप को जिसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं, जिसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं, तो इस तरह की 3D शेप को आपने जरूर देखा होगा। अब आप में से काफी बच्चे बोलेंगे कि सर यह बनाई तो है प्लेन पे या फिर किसी कागज पे बनी हुई तो है। बिल्कुल देखिए यह बना तो दी है, लेकिन हमें इसकी ऊंचाई का आभास ही नहीं हो रहा, हम प्लेन पे किसी भी ऊंचाई को नहीं दर्शा सकते हैं। यह हमने थोड़ा टेढ़ा करके इसलिए बनाया है कि जिससे आपको यह ऊंचाई जो है, सॉरी यह जो आपकी मोटाई या फिर ऊंचाई है, इसका आपको जस्ट एक आभास हो जाए, लेकिन हम एक्चुअल का पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जस्ट दर्शाने के लिए बनाया गया है, एक्चुअल में हम इसे नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह हमारी 3D शेप होगी, इसलिए यह हमारी 3D शेप होगी। जैसे कि मान लीजिए यह एक मेरा पेन है, अगर इस पेन को मैं ड्रॉ करना चाहूं, अगर इस पेन को मैं ड्रॉ करना चाहूं तो देखिए इस पेन को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, इस पेन को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं जो कि यह इसकी देखिए निब हो गई, तो मैं कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ तो कर सकता हूं, लेकिन इसकी जो यह ऊंचाई है या फिर इसकी यह जो मोटाई है, इस चीज को मैं यहां दर्शा ही नहीं पा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं लग पा रहा है कि यह कितना मोटा है, फील ही नहीं हो रहा है। तो इसे जस्ट हम दर्शाने के लिए बना देते हैं, लेकिन हम इसे अच्छे से एक्चुअल ऊंचाई या मोटाई का पता नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें 3D शेप या फिर त्रिविमीय आकृति कहते हैं। तो चलिए अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पे आते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, वह सभी आकृतियां जिनकी तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर मोटाई, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर ये तीनों ही विमाएं किसी आकृति में उपस्थित हैं तो वह त्रिविमीय आकृतियां आपकी कहलाती हैं। अगर उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो उदाहरण के तौर पे यह आपको एक आकृति दिखाई गई है जिसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यह इसकी लंबाई हो गई, यह इसकी लंबाई, यह इसकी चौड़ाई कह लीजिए, यह इसकी चौड़ाई हो गई और यह आपकी ऊंचाई या फिर यह आपकी ऊंचाई या फिर मोटाई हो गई, यह जो आपकी रेड कलर से यह वाली आपकी क्या हो गई है, ऊंचाई या फिर मोटाई। तो क्योंकि इसमें तीनों ही विमाएं उपस्थित हैं तो इसलिए हम इसे 3D शेप कहेंगे, इसलिए हम इसे 3D शेप कहेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह की शेप को हम घनाभ कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्यूबॉइड कहते हैं। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट आपको याद रहे इसलिए बताया जा रहा है कि इस तरह की आकृति को घनाभ या फिर क्यूबॉइड कहते हैं। तो देखिए आपको लंबाई दिखाई गई है, यह है चौड़ाई दिखाई गई है, यह है ऊंचाई दिखाई गई है, यह है, तो क्योंकि तीनों ही विमाएं हैं इसलिए यह 3D शेप है। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट 3D शेप्स क्या-क्या होती हैं, जो आपने जैसे आपने 2D शेप में पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट 2D शेप्स जैसे कि रेक्टेंगल होता था,
जिसे हम हिंदी में आयत कहते हैं। यह एक 2D शेप होती है। इसके अलावा आपने देखिए स्क्वायर पढ़ा था, जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। इसके अलावा आपने ट्रायंगल पढ़ा था, जिसे हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। इसके अलावा आपने सर्कल पढ़ा था, जिसे हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। तो यह कुछ आपकी इम्पोर्टेंट 2D शेप होती हैं, जिनके बारे में आपने डिटेल में भी काफी अच्छे से पढ़ा होगा। इसी तरह से कुछ 3D शेप्स हैं इम्पोर्टेंट, जिनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली 3D शेप जो है हमारी, वह है घनाभ, जिसे इंग्लिश में हम क्यूबॉइड भी कहते हैं। तो इस तरह की जो शेप आपको दिख रही है, यह इसकी लेंथ हो गई। यह वाली जो होती है, यह इसकी लेंथ हो गई, यह इसकी चौड़ाई हो गई, और यह इसकी ऊंचाई हो गई। यह इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गई है। तो इसमें तीनों ही विमाएं उपस्थित हैं, इसलिए हम इसे 3D शेप कहते हैं। और इसे इस तरह की जो शेप है, वह घनाभ होती है या फिर क्यूबॉइड होती है। अच्छा, आपको अब यह वाली घनाभ और घन, जिसे हम इंग्लिश में क्यूब भी कहते हैं, दोनों ही एक जैसी दिख रही होंगी। तो देखिए, इनमें सेम वही अंतर होता है जो आयत और वर्ग में होता है। जो आयत, जिसे इंग्लिश में हम रेक्टेंगल भी कहते हैं, और वर्ग, जिसे इंग्लिश में हम स्क्वायर भी कहते हैं, इनमें जो डिफरेंस होता है, सेम वही घनाभ और घन में होता है। मतलब घनाभ में अगर आप देखोगे, तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यह तीनों अलग-अलग होती हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग-अलग होती हैं घनाभ में। जैसे कि आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग-अलग होती है, उसी तरह घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग-अलग होती है, और घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में ही बराबर होती है, तो उसे हम घन कहते हैं। सेम उसी तरीके से जिस तरह से जो वर्ग या फिर स्क्वायर आपका होता है, उसमें आपकी लेंथ और ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं, इसी तरह से घन में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपकी बराबर होती हैं। तो घनाभ और घन में यही डिफरेंस होता है। फिर देखिए, आपकी नेक्स्ट शेप आती है बेलन, जिसे हम इंग्लिश में सिलेंडर भी कहते हैं। तो यह आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो बेलन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसका देखिए, यह ऊपर का हिस्सा है और इसी तरह से सेम नीचे का हिस्सा है। तो अगर ऊपर और नीचे के हिस्सों की बात की जाए, तो देखिए यह इस तरह से होते हैं वृत्ताकार। यह वृत्ताकार होते हैं। यह वृत्त सही से नहीं बना है, लेकिन आप अज्यूम कीजिए कि यह वृत्ताकार होते हैं या फिर सर्कुलर होते हैं, क्योंकि देखिए यह 3D शेप है या फिर त्रिविमीय शेप है, इसलिए हम इसे दर्शा सकते हैं, अच्छे से फील नहीं कर सकते। इसलिए ऊपर की शेप को अगर आप देखोगे, तो इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है। इसे हम सर्कुलर बना ही नहीं सकते। इसे सर्कुलर बना देंगे, तो फिर हम इस वाले हिस्से को नहीं दर्शा पाएंगे, यह जो इसका हिस्सा है। इसलिए इसे कुछ अंडाकार की शेप को बनाया गया है। लेकिन आपको यह फील कर रहा होगा कि ऊपर के जो हिस्से हैं, ऊपर और नीचे का हिस्सा, वह वृत्ताकार हिस्सा होता है बेलन का। तो इस तरह की शेप को हम बेलन कहते हैं, जिसके ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है, वह वृत्ताकार या फिर सर्कुलर होता है। फिर आपकी जो चौथी शेप आती है, वह आती है शंकु, या फिर जिसे इंग्लिश में हम कोन भी कहते हैं। तो देखिए, कोन का जो यह नीचे वाला हिस्सा होता है, कोन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वह भी सर्कुलर होता है। यह जो हिस्सा होता है, यह भी आपका सर्कुलर होता है या फिर वृत्ताकार हिस्सा होता है, क्योंकि यह भी एक 3D शेप है, क्योंकि यह भी एक 3D शेप है। तो इसीलिए इसे अच्छे से दर्शाया नहीं जा सकता, इसलिए यह अंडाकार की तरह बना हुआ है। इसका अगर मैं उदाहरण दूं शंकु का, तो आपने अपने बर्थडे पे कई बार एक कैप आती है, बर्थडे कैप, जो कि इस शेप की आती है। नीचे सर्कुलर होती है और ऊपर से कुछ ट्रायंगल टाइप की सी शेप होती है, तो उसे हम शंकु या फिर कोन कहते हैं। अच्छा, आप कमेंट में बता सकते हो और क्या उदाहरण होंगे जो आपने अपने दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में देखे हैं कोन के? कमेंट करके बता सकते हो, अनम्यूट नहीं करेगा कोई भी बच्चा। कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपने शंकु या फिर कोन के और कौन-कौन से एग्जाम्पल देखे हैं। अच्छा, डाइस, यस डाइस, लेकिन घनाभ या फिर घन का एग्जाम्पल होता है।
उसे हम घन के एग्जाम्पल या फिर घनाभ भी कह सकते हैं, जिसे हम हिंदी में पांसा भी बोलते हैं। तो यस, वो तो आपका घनाभ और घन का एग्जाम्पल हो गया। शंकु का क्या एग्जाम्पल होगा या फिर कौन का क्या एग्जाम्पल होगा? कमेंट करके क्या बता सकते हो आप कि शंकु के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे डेली लाइफ के? कीप, बिल्कुल। कीप जो आती है वह हमारा शंकु का एग्जाम्पल होता है। अगर कीप के निचले हिस्से को सर्कुलर मान मान लिया जाए। यस, मेहंदी कीप, बहुत बढ़िया। बेलन, बेलन तो शंकु का एग्जाम्पल नहीं होगा। बेलन, आप बेलन ही लिखना चाह रहे हो एक बार दोबारा से? यस, मेहंदी की कीप। हाँ बिल्कुल, मेहंदी की कीप तो आपका शंकु का एग्जाम्पल होगा। और आपके देखिए, जो आप कई बार आइसक्रीम खाते होंगे कोन में, जो आपकी आइसक्रीम आती है, तो कई बार उसका जो कोन होता है वह भी आपका शंकु की शेप का ही होता है। यस, तो वो इस तरह के हम एग्जाम्पल अपनी डे टू डे डेली लाइफ में देख सकते हैं। और देखिए, बेलन के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं डेली लाइफ में? जैसे कि बेलन के एक एग्जाम्पल तो, हाँ जी, सॉफ्टी जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब आप बेलन के एग्जाम्पल बताइए कि बेलन के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं डेली लाइफ में। चलिए एक उदाहरण मैं बता, सिलेंडर। यस, बहुत अच्छा। सिलेंडर जो होता है, जो हम घरों में यूज करते हैं, जो किचन में होता है, तो वही एक खुद एग्जाम्पल हो गया बेलन का या फिर सिलेंडर का। यस, और बताइए कि बेलन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ड्रम, बिल्कुल। हाँ, ड्रम भी एक तरीके से बेलन का एग्जाम्पल होगा, बिल्कुल। ड्रम, ढोलक, बहुत बढ़िया। ढोलक भी बेलन का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। टंकी, बहुत अच्छे। टंकी भी, यस, अगर कोई इस तरह की जो कि नॉर्मली होती है हमारी, अगर कोई सर्कुलर लाइटर, बहुत बढ़िया। यस, तो मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ गया, डे टू डे लाइफ से आप रिलेट कर पा रहे हैं। गैसेस, गैस बेलन का एग्जाम्पल, या तो आप किसी और गैस की बात कर रहे हो। बोतल हो गई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बोतल भी हमारा बेलन का एग्जाम्पल होता है। या फिर देखिए, इस तरह की कोई भी डिब्बी हो गई, जैसी अभी मेरे हाथ में ये है, तो यह भी एक बेलन का एग्जाम्पल है, जिसके अगर आप ऊपर ऊपर वाला और नीचे वाला अगर आप हिस्सा देखोगे तो यह सर्क्यूलर है। पेन हो गया, बहुत बढ़िया। जिस भी पेन से अभी आप लिख रहे हो, वह आपका बेलन या फिर सिलेंडर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब घनाभ और घन के आपको एग्जाम्पल बताने हैं। घनाभ और घन के एग्जाम्पल दोनों के आप एक साथ ही बता दीजिए। घनाभ और घन का क्या एग्जाम्पल होगा डे टू डे लाइफ में? आपने कौन कौन सी ऐसी चीजें देखी हैं जो कि घनाभ या फिर घन के आकार की हैं? ईंट हो गई, बहुत बढ़िया। ईंट हो गई, बिल्कुल। ईंट घनाभ के आकार की होती है, क्यूबॉइडल शेप होती है, बहुत बढ़िया। फोन हो गया, फोन हो गया, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लूडो, हाउस, बिल्कुल हाउस, या फिर हम एक रूम बोल सकते हैं। यस, अगर हाउस को भी माना जाए पूरा, अगर उसकी छत नॉर्मल है तो बिल्कुल एक घनाभ के आकार का हो गया। बुक हो गई, टैब हो गया, कॉपी हो गई, बिल्कुल। जिस भी अभी आप कॉपी या फिर नोटबुक में काम कर रहे हो, तो वह सभी आपकी घनाभ की आकार की हैं। अलमारी हो गई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसका मतलब आप सभी को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, अभी कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा। अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपने। तो इस तरह से हमारी जो कुछ त्रिविमीय आकृति होती है इंपॉर्टेंट, वो हमने पढ़ ली है। तो देखिए, अब कुछ इसी तरीके से दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण आपको बताए गए हैं। तो देखिए, यह तो आपने बताया था, यह घनाभ के आकार का है, दिख भी रहा है। बुक भी आपने बताई थी, यह भी घनाभ की शेप की है, यह भी 3D हो गई, यह भी 3D हो गई। देखिए, बॉल होती है, बॉल को भी आप एक समतल पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, या फिर अगर मैं कहूँ एक प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए अभी यह ड्रॉ तो है, लेकिन हमें इसकी मोटाई का कुछ पता ही नहीं लग रहा कि बॉल कितनी मोटी है, तो इसलिए यह भी एक 3D शेप हो गई।
अगर मैं बाल्टी की बात करूं तो बाल्टी देखिए ऊपर से सर्कुलर होती है, ऊपर सर्कुलर होती है यह बाल्टी यहां से यहां तक, लेकिन यहां पे तो अंडाकार दिखाई गई है, क्योंकि अगर सर्कुलर दिखाते तो इसके पीछे का जो यह हिस्सा है वह दिख ही नहीं पाता, तो इसलिए क्योंकि देखिए यह हम समतल पर इसे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह भी हमारी 3D शेप हो गई या फिर त्रिविमीय आकृति हो गई है। तो चलिए अगर आपको यह समझ में आया तो इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है और सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक त्रिविमीय आकृति है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज ए 3D शेप। बहुत बढ़िया, इसके लिए बस 30 सेकंड मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ भी गए हैं और सभी बच्चों के सही आंसर हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से सॉल्व करेंगे, जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, यह तो देखते ही हो जाना चाहिए, यह तो देखते ही हो जाना चाहिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर कीजिए पोल सेक्शन में अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। 2 से 3 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। तो देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी एक 3D या फिर त्रिविमीय आकृति है, तो देखिए यह आपको चतुर्भुज दिया गया है या फिर क्वाड्रिलेटरल जिसे बोल सकते हैं, अगर इसमें यह 90 डिग्री भी हमको दिखा दिया जाता तो हम इसे बोल सकते थे कि यह एक आयत होगा, लेकिन अभी एक 90 डिग्री नहीं है तो यह एक चतुर्भुज ही कहना सही होगा इसे। तो यह देखिए हमारा क्या हो गया, यह हमारा चतुर्भुज हो गया या फिर इंग्लिश में जिसे क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्योंकि हमने 2D शेप में पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल एक 2D शेप ही होती है, तो इसलिए देखिए यह 2D शेप हो गई और यह भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी भी 4 भुजाएं ही हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इसलिए यह भी हमारी क्या होगी, यह भी हमारी 2D शेप ही होगी। फिर यह हमारा ट्राइंगल है या फिर त्रिभुज कहते हैं जिसे हिंदी में, त्रिभुज भी हमने पढ़ा था कि 2D शेप ही होती है, और यह हमें क्यूबॉइड या फिर क्यूब की शेप की लग रही है जिसकी लेंथ ये हो गई, चौड़ाई या फिर ब्रेड्थ ये हो गई और ऊंचाई या फिर हाइट ये हो गई, तो क्योंकि इसमें तीनों ही विमाएं उपस्थित है इसलिए यह हमारी क्या हो गई है, यह हमारी 3D शेप या फिर त्रिविमीय आकृति हो गई है, और हमसे यही पूछा गया है कि कौन सी आकृति एक त्रिविमीय आकृति है, तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगर आपको यह समझ में आया तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी जैसा कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट 3D शेप्स देखी थी इसमें, जिसमें हमने पहली घनाभ देखी थी, दूसरा घन देखा था, थर्ड हमने बेलन या फिर सिलेंडर देखा था और फोर्थ हमने शंकु या फिर कोन देखा था, तो चलिए अब हम एक एक करके इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घनाभ या फिर क्यूबॉइड के बारे में, कि आखिर क्यूबॉइड होता क्या है। तो देखिए आपने अभी जैसा बताया कि एक घर को, या फिर मैं और भी अच्छा एग्जाम्पल लूं तो एक कमरे को एक क्यूबॉइड की तरह आपको इमेजिन करना है, सोचना है। अगर आप एक कमरे को एक घनाभ की तरह सोचेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, जैसे कि देखिए आपके कमरे में 6 टोटल फलक या फिर मैं कहूँ 4 दीवारें, एक छत और एक जमीन, तो अगर 6 दीवारें बोल रहा हूं मैं इनको, हालांकि दीवारें 4 ही हैं, एक छत है और एक जमीन है, तो टोटल 6 चीजें हैं, टोटल 6 हैं। उसी प्रकार से घनाभ में भी टोटल 6 ही चीजें होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं या फिर फेस कहते हैं। इस फलक को हम इंग्लिश में फेस कहते हैं, इसकी पूरी अच्छी डेफिनेशन को हम अभी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी घनाभ के लिए हम इसे बस याद रखेंगे कि घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय, यह तो हम पढ़ चुके हैं यह त्रिविमीय आकृति होती है या फिर 3D शेप होती है,
तो यह एक त्रिविमीय बंद आकृति है जिसकी छह आयताकार फलक होते हैं, या फिर मैं कहूं जिसके छह रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। जैसे कि आप एक कमरे को इमेजिन कीजिए जिसमें अभी आप बैठे हुए हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपकी चारों तो दीवारें हो गई, एक आपकी छत हो गई कमरे की, और एक आपकी जमीन या फिर फ्लोर हो गया। तो टोटल छह चीजें हैं। इसी प्रकार से एक घनाभ में भी छह फलक होते हैं, और अगर आप देखोगे तो आपकी सभी दीवारें, छत या फिर जो फ्लोर है वह रेक्टेंगुलर या फिर आयताकार ही होगा। ज्यादातर बच्चों के घरों में जो रूम होगा वह आयताकार ही होगा। तो उसी प्रकार से घनाभ के भी जो फलक होते हैं वह रेक्टेंगुलर या फिर आयताकार ही होते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसके छह फलकों को मार्क करूं तो देखिए ये तो चार फलक हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा यह, और देखिए फोर्थ ये आगे है, फोर्थ वाला आगे है और सेकंड वाला पीछे है। तो देखिए इस तरह से जैसे कि आप चार दीवारें हैं, उसी प्रकार से चार फलक ये हो गए, और पांचवा फलक हो गया जैसे कि आपकी छत होती है, और सिक्स या फिर छठा फलक हो गया जो आपकी जमीन या फिर फ्लोर है। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो घनाभ को एक रूम की तरह जिसके छह फलक होते हैं, और वो छह के छह फलक रेक्टेंगुलर या फिर आयताकार होते हैं। तो देखिए, क्योंकि देखिए जैसे आपने पढ़ा था बहुभुज, जैसे आपने पढ़ा था बहुभुज, बहुभुज की हमने डेफिनेशन क्या दी थी, जिसे इंग्लिश में हम पॉलीगॉन भी कहते हैं, क्योंकि देखिए उसमें दो या दो से अधिक भुजाएं थी, दो या दो से अधिक भुजाएं थी, इसीलिए हमने उसे कह दिया बहुभुज, मतलब कि बहुत सारी भुजाएं। इसी तरीके से यहाँ देखिए दो से अधिक फलक है, छह फलक है टोटल, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया बहुफलक, मतलब बहुत सारे फलक। तो इसे हम बहुफलक भी कहते हैं ऐसी आकृतियों को जिनमें बहुत सारे फलक या फिर दो से अधिक फलक होते हैं। तो क्योंकि इसमें टोटल छह फलक हैं, तो इसलिए यह भी एक बहुफलक आकृति है। तो देखिए यह फेसेस की हमने बात कर ली है कि फेसेस क्या क्या होते हैं और कितने होते हैं। देखिए अभी फेसेस को हमने जस्ट रूम की दीवारों से कंपेयर करके समझा है, लेकिन आखिर फेसेस की प्रॉपर डेफिनेशन होती क्या है? तो देखिए घनाभ जो होता है वह हमने अभी पढ़ा है कि कुछ क्षेत्र या पृष्ठों से मिलके बना होता है, या जिन्हें हमने फलक कहा था। तो जो ये क्षेत्र या फिर पृष्ठ होते हैं जिनसे मिलके घनाभ बना होता है, जिसे देखिए मैं अभी हाईलाइट भी कर रहा हूं, मान लीजिए यह कोई एक पृष्ठ है, या फिर जिसे इंग्लिश में एरिया बोल सकते हैं कि काफी एरिया से मिलके बना होता है, या फिर प्लेन्स से मिलके बना होता है। तो हर एक प्लेन को हम क्या कहेंगे, हर एक प्लेन को हम फलक या फिर फेस कहेंगे। जो जैसे कि अभी देखिए यह जो रेड कलर से हाईलाइट किया गया है आपका, यह एक फेस को शो कर रहा है, एक फेस को यह शो कर रहा है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे कि जो घनाभ होता है वह बहुभुजीय, क्योंकि देखिए इसकी एक फेस की, अगर मैं इस फेस की बात करूं तो यह रेक्टेंगुलर शेप का है, यह रेक्टेंगुलर शेप का है, देखिए यह कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी भुजाओं को देखोगे तो इसमें टोटल चार भुजाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इसमें टोटल चार भुजाएं हैं, इसलिए इसे बहुभुजीय पृष्ठ या फिर क्षेत्र कहा गया है। तो देखिए घनाभ बहुभुजीय क्षेत्रों या फिर पृष्ठों से मिलके बना होता है, उन्हें ही हम फलक या फिर फेस कहते हैं। और एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, टोटल छह फलक होते हैं। इसे आप याद कैसे रखेंगे, अगर कोई बच्चा भूल भी जाए तो आप रूम की सहायता से अपने जो कमरा है या रूम है उससे याद रख सकते हैं, चार दीवारें, एक छत और एक आपका फ्लोर या फिर जमीन। तो टोटल छह फेस होते हैं, और छह के छह फेस आपके रेक्टेंगुलर होते हैं। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया कि फलक क्या होते हैं एक घनाभ में? सभी बच्चों को समझ में आया कि एक फलक क्या होता है घनाभ में? घनाभ जिनसे भी मिलके बना होता है, जिन भी पृष्ठों या फिर क्षेत्र या फिर प्लेन्स से मिलके बना होता है, उसे हम फलक या फिर फेस कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, हमने फलक देख लिया, अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, किनारा, जिसे हम एज या फिर साइड भी कह देते हैं, जिसे हम एज कहते हैं या हिंदी में किनारा कहते हैं।
तो देखिए, जहां पे भी दो फलक या फिर दो फेस आपस में मिलते हैं, जहां भी दो फलक आपस में मिलते हैं, उसे हम किनारा या फिर एज कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो मान लीजिए कि देखिए, मैं जैसे दो फलकों को अगर हाईलाइट करूं, एक फलक को मैं इस रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, एक फलक को मैं इस रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, जो कि आप एक दीवार की तरह सोच सकते हैं, और एक फलक मैं आपकी छत की तरह ले रहा हूं, जो कि ब्लैक कलर से हाईलाइट है, जो कि यह ब्लैक कलर से हाईलाइट है। तो यह दो फलक हैं, पहला फलक आपका यह हो गया है और दूसरा फलक आपका यह हो गया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह दोनों फलक यहाँ पे मिल रहे हैं, इस रेखाखंड पे, यह दोनों फलक इस रेखाखंड पे मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे ही हम किनारा या फिर एज कहेंगे, इसे ही हम किनारा या फिर एज कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गई? डेफिनेशन यह हो गई कि जहां भी दो फलक आपस में जिस भी रेखाखंड पे मिलते हैं, वह हमारा किनारा या फिर एज कहलाती है। तो देखिए, अगर इसे हम रूम की सहायता से समझना चाहें, इसे अगर हम रूम की सहायता से समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? टोटल आपके रूम में 12 किनारे होंगे। देखिए, चार किनारे तो आपके छत पे हैं, चार किनारे तो छत पे हैं। अगर मैं देखिए इसकी बात करूं, जो यहाँ पर रेड कलर से दिखाए गए हैं, वह सभी आपके रूम के किनारे हैं और एक घनाब के किनारे हैं। तो देखिए, चार आपकी छत पे हैं, यह पहला, यह दूसरा, यह थर्ड एंड यह फोर्थ। तो चार इस तरफ, इस तरह से आपके किनारे होंगे छत पे, चार आपकी होंगे दीवारों पे, यह फिफ्थ, यह सिक्स्थ, यह सेवंथ और यह एट्थ। इस तरह से चार आपकी दीवारों पे हो गए और चार ही आपके होंगे फ्लोर पे या फिर जमीन पे, नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ एंड ट्वेल्थ। तो इस तरह से टोटल आपके 12 किनारे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक क्यूबॉइड में या फिर एक घनाभ में कुल 12 किनारे होते हैं, और फलक कितने होते थे? 6। तो 6 फेस होते हैं और 12 किनारे होते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट है शीट्स या फिर वर्टेक्स। तो देखिए, जहां भी दो फलक मिलते हैं उसे तो हम कहते हैं किनारे, और जहां भी तीन किनारे मिलते हैं, जहां भी तीन किनारे मिलते हैं उसे हम कहते हैं शीट्स या फिर वर्टेक्स, या जिसे हम कॉर्नर भी कहते हैं, जिसे हम कॉर्नर भी कहते हैं। तो देखिए, अगर मैं उदाहरण के लिए लूं तो मैं एक तो यह वाला किनारा ले रहा हूं या फिर एज ले रहा हूं, दूसरी मैं इस रेड कलर से इस वाली को ले रहा हूं, इस वाली एज को, और तीसरा मैं थर्ड इस ग्रीन कलर वाली एज को ले रहा हूं या फिर किनारे को ले रहा हूं। तो ये तीनों ही किनारे किसी एक बिंदु पे मिलते हैं, और वह कौन सा बिंदु है? वह आपका यह वाला बिंदु हो गया, जहां ये तीनों ही किनारे आपस में मिल रहे हैं। तो यह मेरी क्या हो जाएगी? यह मेरी एक वर्टेक्स हो जाएगी, जिसे हिंदी में हम शीर्ष कहते हैं, या जिसे कई बार हम कॉर्नर भी कह देते हैं। तो जहां भी आपके देखिए दो फलक मिले, वह होता है किनारा, और जहां भी तीन किनारे मिले, वह होता है आपका शीर्ष या फिर वर्टेक्स। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे अपने रूम में, तो टोटल 8 वर्टेक्स होती हैं। वो कैसे? चार तो आपकी होते हैं जमीन पे, चार तो होती हैं आपकी जमीन या फिर फ्लोर पे, चार होते हैं आपके छत पे या फिर रूफ पे। तो देखिए, यहाँ जो यह ब्लू कलर से हाईलाइट किए गए हैं, यह फर्स्ट हो गया, यह सेकंड हो गया, यह थर्ड और यह फोर्थ। तो यह चार वर्टेक्स हो गए आपकी छत पे, और देखिए यह फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, यह चार वर्टेक्स या फिर शीट्स हो गए आपके फ्लोर या फिर जमीन पे। तो टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं एक क्यूबॉइड या फिर घनाभ में। तो आपको ध्यान रखना है, फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं 12 और वर्टेक्स या फिर शीर्ष होते हैं आपके 8। यह आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, और आप याद किसकी मदद से रखोगे? अपने रूम या फिर कमरे की सहायता से आपको याद रखना है। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को घनाभ के कितने हिस्से होते हैं, कितने फलक, किनारे, शीर्ष होते हैं, सभी बच्चों को समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों को समझ में आया। तो चलिए, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31।
सभी बच्चों को पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, देखते ही आंसर आ जाएगा इसमें तो। इसमें तो देखते ही आंसर आ जाएगा, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे इसे। एक घनाभ के कितने शीट्स होते हैं? हाउ मेनी वर्टेक्स डज ए क्यूबॉइड हैव? अच्छा, कोई भी बच्चा कमेंट में आपको आंसर नहीं करना है, कमेंट में आपको आंसर नहीं करना है। अभी मैंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इसके लिए भी आपको 30 सेकंड ही मिले हैं, 30 सेकंड जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। वैसे ज्यादातर बच्चों के आंसर आ गए हैं और एकदम सही आंसर है। जल्दी से आंसर करेंगे, 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। टेन सेकंड, 10 सेकंड और हैं। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर कीजिए। फाइव सेकंड, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। तो चलिए अभी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि घनाभ के आखिर शीर्ष क्या होते हैं या फिर वर्टेक्स क्या होती है। जहां भी तीन किनारे या फिर तीन एज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या फिर मिलती हैं, तो वह हमारी शीर्ष या फिर वर्टेक्स होता है। तो देखिए, एक घनाभ में कौन कौन से वर्टेक्स होते हैं या फिर इन्हें हम कॉर्नर भी बोलते हैं। तो यह जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, यह सभी हमारी वर्टेक्स या फिर कॉर्नर हो गए। तो देखिए टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका मतलब टोटल एक घनाभ में 8 या फिर 8 वर्टेक्स होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, आपको एक क्यूबॉइड दिया गया है जिसमें कुछ ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है। तो आपको यह बताना है कि वह ग्रीन कलर से क्या हाईलाइटेड है। ग्रीन कलर से जो हाईलाइटेड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, काफी बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होना है, तो आपको ध्यान रखना है, ग्रीन कलर वाला पूछा गया है, ना कि ऑरेंज कलर वाला, ना कि ऑरेंज कलर वाला। यहाँ दो चीजें हैं, कुछ तो ऑरेंज कलर से हाईलाइट है और कुछ ग्रीन कलर से हाईलाइट है। तो आपसे ग्रीन कलर वाला पूछा गया है, तो आपको आंसर करते टाइम ध्यान देना है कि आपको ग्रीन कलर वाला बताना है, ऑरेंज कलर वाला नहीं बताना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 32, इसके लिए आपके पास 1 मिनट है, इसके लिए 1 मिनट है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से देखिए और सोचिए कि फलक क्या होता था, किनारे क्या होता था, शीट्स या फिर वर्टेक्स क्या होते हैं और बिंदु या फिर पॉइंट्स क्या होते हैं। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 30 सेकंड, 30 सेकंड और बचे हैं। जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। ट्वेंटी सेकेंड, ट्वेंटी सेकेंड और वेट करते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। इतने अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट करते हैं।
5 4 3 2 1 टाइम्स अप। यस, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको शायद इसमें कंफ्यूजन हुआ है, काफी बच्चों को, वही मैं पहले बता रहा था। आपको बताना था कि जो हरे रंग से दर्शाया गया है या फिर जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है वह क्या है। तो देखिए, आपको ग्रीन कलर से जो दर्शाया गया है वह यह है। यह आपको बताना था कि यह क्या है। तो देखिए, एक तो आपका यह ग्रीन कलर वाला पार्ट हो गया, जो कि सभी ग्रीन कलर से दर्शाया गया है, और एक आपका ऑरेंज कलर वाला पार्ट भी हो गया, जो कि ऑरेंज कलर से दर्शाया गया है। इसीलिए काफी बच्चों ने शायद इसको फलक समझा है, जो कि ग्रीन कलर से दर्शाए गए हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि फलक को क्या ग्रीन कलर से दर्शाया गया है या फिर ऑरेंज कलर से। देखिए, फलक तो आपके ये हो गए, फलक तो आपके ये हो गए, यह पूरा जो क्षेत्र होता है, या पूरा पृष्ठ होता है, या पूरा जो यह प्लेन होता है, इसे हम कहते हैं फलक, इसे हम कहते हैं पूरा फेस। लेकिन यह पूरा फेस तो ऑरेंज कलर से हाईलाइट है, केवल यह जो लाइन है यही ग्रीन कलर से हाईलाइट है, और इन्हें हम कहते हैं किनारे या फिर एज। हाँ बिल्कुल, मैं मान रहा हूं इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको ऑरेंज कलर वाला नहीं बताना, आपको ग्रीन कलर वाला बताना है। तो देखिए, ग्रीन कलर से किनारे हाईलाइटेड हैं, जिन्हें हम कहते हैं एज। कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपको सीखने को ही मिला। तो ऑरेंज कलर वाले जो हमारे हाईलाइट हैं वह होंगे हमारे फेस, और जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है वह होंगी हमारी एज या फिर किनारे। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अभी सभी बच्चों को क्लियर है? अभी सभी बच्चों को क्लियर है कि किनारे एज कैसे हुआ? सभी बच्चों को क्लियर है ना ये? यस, पहले कंफ्यूजन हुआ होगा वो मैं मान रहा हूं, अभी क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को अगर ये क्लियर है तो देखिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा घन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूब। देखिए, घन भी बिल्कुल घनाभ की तरह ही है, घन भी बिल्कुल घनाभ की तरह ही है, सेम ऐसी ही शेप होती है। बस डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि घनाभ में तो जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, वह अलग अलग होती हैं। वह कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं या फिर डिफरेंट होती हैं। लेकिन घन या फिर क्यूब में यह बराबर होती हैं, यह बराबर होती हैं, बस इनमें इतना ही डिफरेंस है, इनमें सेम या फिर बराबर होती हैं। सेम वही डिफरेंस है जो कि आयत या फिर वर्ग में होता है, जो कि आयत या फिर वर्ग में होता है। पहला पॉइंट तो है, देखिए यह है। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसा आप सभी को पता होगा कि वर्ग भी एक आयत ही होता है, वर्ग भी एक आयत ही होता है। मतलब कि आयत में लंबाई अगर बराबर है चौड़ाई के तो भी वह आयत है, और लंबाई अगर चौड़ाई के बराबर नहीं है तो भी वह आयत है। मतलब आयत तो है ही है, लेकिन अगर किसी की लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो हमने एक स्पेशल कैटेगरी को नाम दे दिया है। मतलब कि मैं उदाहरण से समझा देता हूं। मान लीजिए यह कुछ इस तरह की दो शेप है, यह कुछ इस तरह की दो शेप है, एक शेप इस तरह से दी हुई है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, और मान लीजिए एक शेप यह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, यह लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो देखिए, और यह सभी कोण 90 डिग्री के हैं, यह सभी कोण मान के चलिए 90 डिग्री के हैं। तो जिस तरह से इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो यह तो हो गई हमारी, देखिए, आयत या फिर रेक्टेंगल, जिसे इंग्लिश में हम रेक्टेंगल भी कहते हैं, और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी बराबर है तो इसे हम वर्ग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम स्क्वायर भी कहते हैं। लेकिन देखिए, यह एक आयत भी तो होता है, यह एक आयत भी होता है। मतलब यह एक स्पेशल टाइप का आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है,
और उस स्पेशल टाइप के आयत को हम वर्ग कहते हैं। उस स्पेशल टाइप के आयत को हम वर्ग कहते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि वर्ग भी एक तरह का आयत ही होता है, बस एक स्पेशल टाइप का आयत हो गया है। एक स्पेशल टाइप का आयत हो गया है, ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग भी आयत का ही एक पार्ट है। सेम उसी तरह से घन भी घनाभ का ही एक पार्ट है। यह जो घन है वह भी घनाभ का ही एक पार्ट है। तो यह एक स्पेशल टाइप का घनाभ या फिर क्यूबॉइड होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। सभी बच्चों को क्लियर है कि घन भी एक प्रकार का घनाभ ही है। स्पेशल टाइप का घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। सभी बच्चों को क्लियर है? सेम रेक्टेंगल और स्क्वायर के जैसा ही इसका कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह क्लियर है? तो देखिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अब हम घन की भी सेम वही होती है जैसी घनाभ की होती है। घन भी एक त्रिविमीय बंद आकृति ही होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर या फिर इक्वल होती है। तो अगर मैं घन की शेप देखूं तो घन की शेप कुछ इस तरह की होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, इसकी लंबाई में भी ए है, चौड़ाई में भी ए है और ऊंचाई में भी ए है, क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर होती हैं। तो इसलिए तीनों ही आपस में बराबर हैं ए के। देखिए, एक डिफरेंस मेन क्या होता है कि घनाभ में और घन में, घनाभ जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि घनाभ के जो फलक होते हैं, घनाभ के जो फलक होते हैं वह आपके आयताकार होते हैं। घनाभ के फलक आयताकार होते हैं, या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो रेक्टेंगुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग होती हैं घनाभ की, इसलिए उसके फलक आयताकार होते हैं। लेकिन घन में या फिर क्यूब में, क्योंकि उसकी देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती हैं, तो इसके जो फेसेस होते हैं वह आपके वर्गाकार होते हैं या फिर स्क्वायर शेप के होते हैं। वर्गाकार या फिर स्क्वायर शेप के होते हैं। यह आपको याद रखना है कि घन के जो फलक होते हैं वह आपके वर्गाकार होते हैं, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती हैं। लेकिन घनाभ के जो फेस होते हैं वह आपके रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती हैं, सभी अलग अलग होती हैं। तो देखिए, डेफिनेशन सेम वही है। पहले हम फेसेस की बात करते हैं। तो घन भी बहुभुजीय क्षेत्रों या फिर पृष्ठों या फिर प्लेन्स से मिलके बना है, तो उसे हम घन के फलक कहेंगे या फिर फेस कहेंगे। फिर और इसमें भी 8 ही फेस होते हैं, सॉरी 6 ही फेस होते हैं जितने घनाभ में होते थे। इसे भी आप रूम की तरह इमेजिन करिए। बस ये समझ लीजिए कि रूम में जो चारों दीवारें हैं, छत है और जमीन है, वह सभी आपस में बराबर हैं, वह सभी आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो देखिए, इसके भी 6 फेस होते हैं, इसके भी सेम 12 एजेस या फिर किनारे होते हैं। डेफिनेशन भी बिल्कुल सभी की सेम ही है। जैसा कि दो फलक जहां आपस में मिलेंगे उसे किनारा या फिर एज कहेंगे। और सेम 8 वर्टेक्स होती हैं, सेम उसी तरह से 8 वर्टेक्स होती हैं जैसे कि घनाभ या फिर क्यूबॉइड में होती थी। तो इसे आप रूम की तरह इमेजिन करिए जहां 4 दीवारें, छत और जमीन आपकी सभी बराबर हैं। तो इसमें भी देखिए, 6 तो फेसेस हो गए, 12 आपकी एजेस हो गई और 8 आपके वर्टेक्स या फिर शीर्ष हो गए। सभी बच्चों को क्लियर है कि घनाभ और घन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का था। घनाभ में अलग अलग और घन में सेम, बाकी फेस एज शीर्ष सभी बराबर होती हैं, सभी बिल्कुल बराबर नंबर में होती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, यह क्लियर है। तो हम इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 33, एक घन के कितने किनारे होते हैं? हाउ मेनी एजेस डज ए क्यूब हैव? आप अभी आंसर कर सकते हैं पोल सेक्शन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही हो जाएंगे।
जल्दी से आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अच्छा, कोई भी बच्चा भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, आपका होमवर्क बाकी है। पहले सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक घन के कितने किनारे या फिर एजेस होती हैं? बहुत बढ़िया। कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के अभी नहीं जाएगा, होमवर्क अभी आपको मिलना बाकी है। जल्दी से पहले सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। 20 सेकंड, 20 सेकंड वेट कर रहा हूं मैं इसके लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए 20 सेकंड वेट कर रहा हूं। जल्दी से सॉल्व कीजिए। जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड। टेन सेकंड और बचे हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो देखिए, हमसे पूछा गया है कि एक घन के कितने किनारे होते हैं। यह तो हमने अभी पढ़ा था कि देखिए, एक किनारा तो हो गया, यह 1, 2, 3 और 4, फिर आपका 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11 और 12। तो टोटल एक घन के 12 किनारे या फिर 12 एजेस होती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर होगा। चलिए, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। अभी आपके कमेंट में एक लिंक आएगा, कमेंट में आपके लिंक आएगा होमवर्क का। आज आपको दो होमवर्क अटेम्प्ट करने हैं, दो होमवर्क लायो हैं, दोनों ही सॉल्व करने हैं सभी बच्चों को। सभी बच्चों को दोनों ही सॉल्व करने हैं। गुड नाइट, गुड नाइट। अभी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आप जा सकते हैं।